हमारा जो देश है इसे संघ कहा गया। भारत को क्या कहा गया? संघ। किसका संघ? संघ का मतलब क्या होता है? जहाँ बहुत से लोग संघ रहते हैं, एक शब्द होता है हिंदी में संघ, साथ साथ। तो ऐसे ही कई राज्यों का समूह, उसको बोल दिया संघ। संघ क्या होता है? जिसमें कई लोगों का समूह होता है। तो जो भारत है वो क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक है। इसका अर्थ है कि भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब क्या राज्य, उनको मिला के जो बनाया संघ, राज्यों का संघ, वो हमारा भारत देश, ऐसा संविधान में कहा गया। अब देखिए, एक संघ तो सभी राज्य मिलकर हो गए, और एक हो गया राज्य जिसमें एक राज्य, ठीक है। तो जो शक्तियां हैं, यानी देश के अंदर जितनी भी शक्तियां, जैसे रेलवे एक हमारे देश की शक्ति है, सड़कें जितनी बनी है, एक हमारे जो राजमार्ग बने हैं राज्यों से इधर से उधर होकर जाते हैं, राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य में, ये क्या हमारे देश की शक्ति है? बैंक क्या है हमारे देश की शक्ति है? तो इनका विभाजन किया गया कि कौन सी चीज़ें संघ के अंडर में रहेंगी, यानी कि केंद्र सरकार के अंडर में, और कौन सी चीज़ें राज्य सरकार के अंडर में रहेंगी। जैसे रेलवे है, रेलवे में केंद्र का ही हस्तक्षेप है, राज्य उसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो कि तुमको बिना टिकट पकड़ा गया, तो इसमें कहो कि कोई तुम अपना स्थानीय नेता लेकर जाओ, जैसे कि अक्सर थाने में होता है कि कोई बात हो गई तो एक किसी नेता को पकड़ लिया, उसने सिफारिश कर दी। रेल में अगर ऐसा कुछ है तो कोई नेता तुम्हारी सिफारिश नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो राज्य का विषय ही नहीं है, वो विषय है केंद्र का। इसी तरह इनको बांट दिया गया कि ये तुम्हारा और ये, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राज्य और केंद्र दोनों की, केंद्र यानी संघ यानी कि इसमें सब राज्य, तो राज्य और राज्यों का समूह, केंद्र को समझो राज्यों का समूह, तो इनके बीच में बांट दी गई, ये तुम्हारे अंडर की चीज़ है, ये तुम्हारे अंडर की चीज़, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों उसमें हैं, जैसे रेल केंद्र की चीज़ है, जल परिवहन केंद्र की चीज़, हवाई जहाज केंद्र की चीज़ है, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, विदेशी कोई मामला राज्य बात नहीं करेगा, स्मारक जितने भी स्मारक हैं राष्ट्रीय स्मारक, उसमें राज्य का कोई, ताजमहल है उसमें किसका है? केंद्र का, राज्य का कोई नहीं। रक्षा जिसमें तीनों सेनाएं आती, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, राज्य का कोई लेना देना नहीं। संचार साधन जैसे कि टेलीफोन, ये किसका है? केंद्र का, राज्य का कोई काम नहीं। डाक, ये भी केंद्र का, ठीक है, डाक एवं। अब राज्य की सूची, राज्य के पास क्या क्या है? पुलिस, वो राज्य की होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस है, राजस्थान पुलिस, आपने देखा होगा कि पुलिस होती, उनके यहाँ बैज लगा होता है, उस पर लिखा होता उत्तर प्रदेश की पुलिस तो लिखा हुआ UPP, मध्य प्रदेश की पुलिस होगी तो लिखा हुआ MP है, मध्य प्रदेश MPP, राजस्थान की है तो RPP। इसी तरीके से मत्स्य पालन, मछली पालन, और ज़्यादातर मछली पालन जो है समुद्रों में होता है तो केंद्र का विषय, स्थानीय स्वशासन, सॉरी मछली पालन जो है राज्य का विषय है, मछली पालन जिस राज्य में मछली पाली जा रही वो उसी राज्य का विषय है, स्थानीय स्वशासन जैसे प्रधानी का चुनाव, ये सब। कृषि खेती राज्य का विषय है, सिंचाई राज्य की व्यवस्था, पशुधन जितने भी जानवर वो राज्य के अधीन है, निचली अदालतें, जेल, सड़क। अब देखिए सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें फ़र्क है, एक ये तुम्हारे गांव की सड़क बनी ये राज्य की देन है, और जो राज्यों को जोड़ रही बड़ी बड़ी सड़कें वो केंद्र के विषय। अब जो दोनों के पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, चिकित्सा इलाज जो है केंद्र का भी विषय है और राज्य का भी विषय, वन जो है दोनों का, राज्य का भी विषय और विवाह, शादी विवाह, ये केंद्र का भी उसमें हस्तक्षेप है और राज्य का भी, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, राष्ट्रीय समाचार पत्र होते हैं कुछ राज्य के, पुस्तकें, किताबें, शिक्षा केंद्र, अब जैसे कि नवोदय विद्यालय हैं तो ये केंद्र की व्यवस्था है, पूरे देश में है नवोदय विद्यालय, उद्योग और राज्य का भी, जो तुम्हारे स्कूल खुले हैं, आपके जो स्कूल हैं ये राज्य का विषय है, योगी जी, मुख्यमंत्री योगी जी देख रहे हैं, नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय केंद्र का विषय, उद्योग वो दोनों हैं, बिजली राज्य का भी विषय और केंद्र का भी, परिवार उसमें राज्य का भी हस्तक्षेप, केंद्र, धार्मिक संस्थाएं, मंदिर, मस्जिद, इसमें राज्य का भी और केंद्र का। तो हमें ये याद रखना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन से विषय किसके हैं, राज्य का है कि केंद्र का है, ठीक है, संघ का है या, अब एक बताओ रेलवे किसका विषय है, रेल केंद्र का, याद हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र का, पोस्ट ऑफिस केंद्र का, तो ये सब याद कर लो, बैंक केंद्र, स्टेट बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, या पूरे देश में हर जगह मिल जाएगी, लेकिन UPP उत्तर प्रदेश पुलिस तुमको ऐसा नहीं, कर्नाटक में ड्यूटी कर रही है,
हाँ, तो केंद्र की चीजें हैं वो हमको याद होनी चाहिए। ठीक है।